हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइक्रो मैजिक। यह हमारा रास्पबेरी पाई का फोर्थ ट्यूटोरियल है। इसमें हम रास्पबेरी पाई को एलईडी और बटन से इंटरफेस करेंगे। तो चलिए कोड देखते हैं। यह हमारा कोड है। यहाँ पर देखिए, मैंने पिन नंबर 3 को एज आउटपुट डिक्लेयर किया है और पिन नंबर 5 को एज इनपुट डिक्लेयर किया है। यहाँ पर मैं 3 नंबर पिन को एलईडी कनेक्ट कर रहा हूँ और 5 नंबर पिन को स्विच कनेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए मैंने वाइल वन लिया है। वाइल वन मतलब ये हमारा लूप जो है वो इनफिनिट टाइम चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए वाइल वन के नीचे जितनी भी लाइन स्पेस छोड़ के वो वाइल लूप में कंसिडर होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए मैंने वाइल लूप में इफ और एल्स स्टेटमेंट लिया है। इफ के नीचे जो स्पेस छोड़ के जो लाइन्स मैंने लिखी है वो इफ लूप में कंसिडर होगी। यहाँ पर देखिए एल्स के नीचे जो भी स्पेस देके लाइन मैंने लिखी है वो एल्स पार्ट कंसिडर होगी। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए GPIO डॉट इनपुट मतलब कि मैंने जो स्विच कनेक्ट किया है वो 5 नंबर पिन को कनेक्ट किया है वो हमारा इनपुट है। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बटन स्टेट। जब भी मैं बटन प्रेस करूँगा उसकी जो कंडीशन होगी वो बटन स्टेट में आएगी, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो यहाँ पर देखिए इफ बटन स्टेट इक्वल टू फेल्स, जब भी मैं बटन प्रेस करूँगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पर देखिए इफ लूप लिखने के बाद यहाँ पर आपको सेमी कॉलम देना है और एल्स के बाद भी सेमी कॉलम देना है। जब भी मैं बटन प्रेस करूँगा तो ये कंडीशन ट्रू होके यहाँ पर आएगी, बटन प्रेस टर्मिनल पे प्रिंट होगा और यहाँ पर हमारी एलईडी ऑन होगी 2 सेकंड के लिए। नेक्स्ट, जब भी मैं बटन रिलीज करूँगा तो यहाँ पर देखें प्रिंट होगा बटन नॉट प्रेस और यहाँ पर एलईडी हमारी लो हो जाएगी, मतलब एलईडी ऑफ हो जाएगी और यहाँ पर मैंने 2 सेकंड का डिले दिया है। तो ये लूप जो व्हाइल वन लूप है ये इनफिनिट टाइम चलता रहेगा और चेक करता रहेगा कि बटन प्रेस है या प्रेस नहीं है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बटन नॉट प्रेस आ रहा है। तो अब मैं बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए बटन प्रेस लिखा रहा है और मैं बटन छोड़ने के बाद बटन नॉट प्रेस आ रहा है। फिर से मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए बटन प्रेस प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट, कनेक्शन डायग्राम। यहाँ पर देखिए मैं फ्रीजिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ रास्पबेरी पाई के सिमुलेशन के लिए। तो यहाँ पर देखें मैंने एलईडी कनेक्ट किया है, पिन नंबर 3 को पॉजिटिव कनेक्ट किया है और ग्राउंड को एलईडी के ग्राउंड से कनेक्ट किया है। बटन को मैंने पिन नंबर 5 से कनेक्ट किया है और दूसरे टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट किया है। ये है हमारा हार्डवेयर पार्ट।